क्वेश्चन नंबर 15, जिसके रिक्वायरमेंट्स क्या है आपको? नेट अमाउंट कैलकुलेट करना है. नेट अमाउंट मींस नेटबुक वैल्यू, और नेटबुक वैल्यू इक्वल्स होती है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. तब इसमें हमें नेटबुक वैल्यू फाइंड करनी है 30 सितंबर 2011 ईयर एंड पे बतानी है. अब इसके लिए हमें कॉस्ट का क्लोजिंग बैलेंस चाहिए होगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी क्लोजिंग बैलेंस चाहिए होगा. तब इसमें दो टी अकाउंट्स बनेंगे, कॉस्ट अकाउंट और एक accumulated depreciation account. जिसमें ये balances दिए हुए 30 सितंबर 2000 के, 30 सितंबर 2000 का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग हो जाएगा. ये कॉस्ट का ओपनिंग बैलेंस है 860,000 और accumulated depreciation का ओपनिंग है 397. बैलेंस कॉपी करते हैं पहले. एट बैलेंस 8,50,000 और ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस 397,000 ओपनिंग बैलेंस हो गए. ट्रांजेक्शन पोस्ट करते हैं. ड्यूरिंग द ईयर एंडेड सितंबर 2001 प्लांट विद अ रिटन डाउन वैल्यू ऑफ 37,000 वाज सोल्ड फॉर 49,000. प्लांट हैड ओरिजिनली कॉस्ट 80,000. ये बताएं रिटन डाउन वैल्यू क्या होता है? ये मैं बताऊंगा. हाँ, ये बुक वैल्यू को कहते हैं बुक वैल्यू. नेट बुक वैल्यू को रिटन डाउन वैल्यू भी कहते हैं. मान नोट कर लिख ले अपने पास, एनबी भी लिख दें ऊपर इसके छोटा. ठीक है, नेट बुक वैल्यू या रिटन डाउन वैल्यू एक ही लिख ले अपने पास, याद रहेगा. अच्छा, इसको कैरिंग अमाउंट भी कहते हैं, कैरिंग वैल्यू भी कह सकते हैं, कैरिंग अमाउंट भी कहते हैं. रिटन डाउन वैल्यू, नेट बुक वैल्यू या कैरिंग वैल्यू, कैरिंग अमाउंट, सबका एक ही मतलब. तो क्या भी कह रहे हैं, एसेट है जिसके नेट बुक वैल्यू 37,000 है, 49,000 में सेल किया, 80,000 ओरिजिनल कॉस्ट है. तो ये डिस्पोजल हो रहा है, डिस्पोजल की एंट्रीज बनाते हैं. क्या एंट्रीज होती हैं? आते डिस्पोजल ऑफ नॉन करेंट एसेट की एंट्रीज नहीं आते. ठीक है, क्योंकि घर जाके नहीं पढ़ रहे. अच्छा देखिए, एसेट हम सेल कर रहे हैं, एसेट हो जाएगा क्रेडिट, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट होगा. पहली एंट्री हो जाएगी डिस्पोजल डेबिट एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट. प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट, और इसमें वैल्यू कौन सी आएगी? इसमें रिकॉर्ड करेंगे इसको ओरिजिनल कॉस्ट है, ओरिजिनल कॉस्ट है इसकी 80,000. सेकेंड के बाद हम अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज करते हैं एक्युमुलेटेड. तो इसका एंट्री क्या होगी? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट हो जाएगा. अच्छा, इसकी एंट्री बनाते हैं हम एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन से बनती है ना. जो एसेट हमने डिस्पोज किया इसका एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? क्या 49 में तो सोल्ड हुआ है ना, तो सेल प्रोसीड है. 37,000 तो नेटबुक वैल्यू है. नहीं, नेटबुक वैल्यू क्या होती? होती किसके इक्वल है? नेटबुक वैल्यू, नेटबुक वैल्यू किसके इक्वल होती है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. आपने क्या बताया? आंसर क्या बताया? देखिए, कॉस्ट कितनी है? 80,000. बुक वैल्यू कितनी है? 37. तो ये डेप्रिशिएट कितने से हुआ? 43 से डेप्रिशिएट हो गया ना. ठीक, 80,000 कॉस्ट है, बुक वैल्यू इस वक्त है 37, तो इट मींस 43 से डेप्रिशिएट हुआ है. सही है, राइट. 43,000 हो जाएगा इसकी नेट एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन. 43,000 से डेबिट और 43,000. अच्छा, थर्ड एंट्री क्या होती है? थर्ड एंट्री बनती है सेल प्रोसीड की, वो होगी कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट. कितने में सेल किया? 49,000 से डेबिट और 49,000 क्रेडिट. अच्छा, फोर्थ एंट्री बनती है गेन लॉस की. फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हम सिर्फ दो ही अकाउंट बना रहे हैं, प्लांट एंड इक्विपमेंट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन. वैसे तो खैर ये थर्ड एंट्री की जरूरत भी नहीं थी, नॉलेज के लिए बना. अच्छा, एंट्री से आप पोस्ट करते हैं. फर्स्ट एंट्री में क्या हो रहा है आपका? प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं. डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे डिस्पोजल.
सेकेंड एंट्री में अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट है, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं इसका, डिस्पोजल आएगा। थर्ड एंट्री यहाँ पर पोस्ट नहीं होगी, अच्छा डिस्पोजल की एंट्रीज हो गई। उसके बाद क्या लिखते हैं, प्लांट परचेज ड्यूरिंग द ईयर कॉस्ट 1,80,000, ये प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं कैश या बैंक। यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब क्या करना है, आपने पॉलिसी दे दी है फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन नॉन इन द ईयर ऑफ सेल यूजिंग अ रेट ऑफ 10% ऑन स्ट्रेट लाइन। अब करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा हमें, ये एसेट अकाउंट क्लोज करते हैं पहले 1,10,40,000, 80,000 माइनस करेंगे इसमें से क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 9,60,000। कॉस्ट का क्लोजिंग बैलेंस आ गया 9,60,000। इसके बाद ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज करके इसका कैरी डाउन फाइंड करेंगे। इसके लिए पहले हमें करंट ईयर का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना होगा ना, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगा, उसके बाद ये अकाउंट क्लोज होगा, इसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक, अच्छा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। डेप्रिसिएशन पॉलिसी क्या है, रेट क्या दिया है यहाँ पे, पॉलिसी क्या है इसके फुल ईयर है ना, फुल इन द ईयर ऑफ परचेज नन इन द ईयर ऑफ सेल, और रेट आपको दिया हुआ है 10%। इसको दो तरह से कैलकुलेट करवा देता हूँ मैं, पहले एक बार समझाने के लिए डिटेल में, उसके बाद में शॉर्ट करना क्या वो बता देता हूँ। इसमें देखिए पहले डायरेक्ट बता दो करना क्या होता है, उसके लॉजिक बता दो ऐसा क्यों हुआ। इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था जिसमें पॉलिसी थी हमारी पोस्टेड वाली, याद है कौन सा था क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्लास हमने किया था ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नंबर 12। टी अकाउंट बना हुआ था, टी अकाउंट से हमने करंट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट किया था ना, लेकिन इसमें हमने कैलकुलेशन की थी मंथ वाइज, जितने मंथ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पॉलिसी क्या थी, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल डेप्रिसिएशन चार्ज करना था, तो इसमें हमने कैलकुलेशन की थी मंथली बेसिस पे ना, ठीक है। अब यहाँ पर पॉलिसी क्या है, फुल ईयर है, फुल ईयर में आपको फिर वो मंथ वाइज कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें हम क्या करेंगे, फुल ईयर में जो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है ना, कॉस्ट का क्लोजिंग बैलेंस, इस पे परसेंटेज लगा देंगे, आपके पास करंट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा 96,000। ये करना है, पहले तो समझ ले करना क्या, जब भी फुल ईयर पॉलिसी होगी तो उसमें आपने क्या करना है, सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस पे परसेंटेज अप्लाई करेंगे, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आता है, ठीक। और जहां पर प्रोपोर्शनेट पॉलिसी होगी वहां पर मंथ वाइज कैलकुलेशन होगी, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 12 में की। अभी आपको समझा देता हूँ इसकी लॉजिक, ये हुआ क्या, पॉलिसी क्या थी, फुल इन द ईयर ऑफ परचेज नॉन इन द ईयर ऑफ सेल, ठीक। अब ये ओल्ड एसेट की बात कर लेते हैं, पहले ओल्ड एसेट कितने थे, 8,60,000, इसमें से 80,000 के एसेट हमने डिस्पोज किए, अब 80,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा नहीं होगा, बाकी रिमेनिंग पे होगा ना, ठीक है। तो इसमें हम लिखते हैं पहले भी 8,60,000 का ओपनिंग बैलेंस था, इसमें से हमने एसेट डिस्पोज किया 80,000 का, अब रिमेनिंग के परसेंटेज लग जाएगी ना 10%, कितना बन रहे हैं, कितना 78,000। अच्छा ये हमारे ओल्ड एसेट का डेप्रिसिएशन आ गया, ठीक। अच्छा अब हमने न्यू एसेट खरीदा 180,000 का, इस पे फुल ईयर चार्ज होगा, ठीक है। पॉलिसी क्या थी यहाँ पर, फुल इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, ये न्यू एसेट हमने एक्वायर किया तो इस पे फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, इसका 18,000 का 10%, 180,000 का 18,000 आ गया, दोनों को ऐड कर लें, दोनों को ऐड करें 96,000 बन जाएगा, ठीक है। पहले भी आंसर क्या था 96, अब भी क्या आ रहा है 96,000। आपने याद रखना है कि जब भी फुल ईयर पॉलिसी होगी अपने क्लोजिंग बैलेंस पे डायरेक्ट परसेंटेज लगानी है, आपके पास करंट ईयर डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ठीक है। और जहां प्रोपोर्शनेट होगी वहां फिर हम मंथ वाइज कैलकुलेट करें।
अभी डिफरेंस याद रखिएगा, फुल ईयर और प्रोपोर्शनेट कराए ना सर, क्या करें करवा दिया लास्ट तक, एग्जाम गेट से भी करवाया था। अच्छा अभी करंट ईयर डेप्रिसिएशन आ गया, इसको पोस्ट करेंगे। इसकी एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में लिख लेते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 96 98। अब ये एक्यूमुलेट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज करते हैं, टोटल आ रहा है 4,93,000। 4,93,000 माइनस करेंगे इसमें से 43,000, तो ये आ जाएगा 4,50,000। तो फाइंड क्या करना है? नेट बुक वैल्यू। पहले हम लिखते हैं प्लांट एंड इक्विपमेंट कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है इसकी? 9,60,000। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? 4,50,000। ये नेट बुक वैल्यू आ जाएगी इसकी 5,10,000। ये इसका आंसर हो जाएगा 5,10,000। क्लियर? ठीक, आप ये कॉपी कर लें।